स्वागत है आप सभी को बलराम आई एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग बिहार बोर्ड के 10th क्लास का मैथ्स को कवर करने की कोशिश करूंगी। और वो 10th क्लास का भी मैथ्स को मैं फुल्ली रूप से NCERT का कॉन्सेप्ट दूंगी, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो NCERT होता है और टोटल जो क्वेश्चन होता है वो NCERT से आता है। तो चलिए आज से हम लोग मैथ्स का सेशन का कवर करेंगे। और वो आज मैं आपको एक टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। तो देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़े तो आप उसका डिफिनेशन जानने की कोशिश करें कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। तो इसके लिए आपको एक निर्देशांक तल की आवश्यकता होगी। पहले ये समझिए, अगर जो 10th का बच्चे होंगे वो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानते भी होंगे, क्योंकि 8th क्लास के सिलेबस पे भी ये थोड़ा सा डिस्कस किया गया था। ये जो रेखा होता है वो x अक्ष होता है, इधर x होता है और ये x डैश होता है, ये y होता है और y डैश होता है। डैश कहने का अर्थ है ऋणात्मक चिन्ह यानी माइनस, और ये इसे O से डिनोट किया जाता है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है यानी प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, यानी ये जो चारों भागों को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं यानी चतुर्थांश। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी प्रथम चतुर्थांश होता है जिसका प्लस प्लस होता है, मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगी, पहले बता देती हूँ। सेकंड कोऑर्डिनेट होता है ये माइनस कॉमा प्लस होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट होता है माइनस कॉमा माइनस, और फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है प्लस कॉमा माइनस। आप लोग पढ़े होंगे कि निर्देश ये एक्स कॉमा बाई, आप लोग पढ़े हुए कि निर्देशांक ज्यामिति को जब भी डिनोट किया जाता है वो कॉमा द्वारा डिनोट किया जाता है और एक्स कॉमा बाई के रूप में डिनोट किया जाता है। यानी निर्देशांक ज्यामिति में मुख्य रूप से पढ़ना क्या होता है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ना होता है, इसीलिए हम लोग इसे कॉमा के द्वारा डिनोट किए जाते हैं। और ये बात याद रखिए कि जब भी इसे डिनोट किया जाता है एक्स कॉमा बाई के रूप में, तो हम लोग इसका डिफिनेशन में बोल सकते हैं, मान लिया जाए वहाँ 1 है, 2, 3, 4, इधर ऋणात्मक हुआ क्योंकि इधर डैश है, -1, -2, -3, -4 और -5, इधर +1, +2, क्योंकि देखिए इधर सिर्फ बाई है तो इधर प्लस होगा और ये बाई डैश है, यानी ये जो होगा वो ऋणात्मक में हो जाएगा और ये धनात्मक होगा। हम लोग प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे भी अगर आगे किसी का साइन नहीं हो तो उसे प्लस माना जाता है। तो हम लोग निर्देशांक आज का निर्देशांक जो ज्यामिति होता है उसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, तो चूंकि किसी भी बिंदु का निर्देशांक एक्स कॉमा बाई के रूप में निरूपण किया जाता है, तो बोलेंगे कि अगर मान लिया ए बिंदु है तो ए का निर्देशांक क्या होगा। तो सबसे पहले निर्देशांक आज में किसे डिनोट किया था, तो सबसे पहले एक्स का मान का लिखा जाता है, किसे, एक्स को मान को लिखते हैं और फिर बाई के मान को लिखते हैं। तो अगर ए बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो मान लिया कि ए बिंदु का दूरी 2 है तो सबसे पहले एक्स अक्ष के बिंदु 2 को लिखेंगे, और बाई बिंदु की दूरी अगर 3 है तो उसके बाद 3 को लिखेंगे। तो ये हो गया एक्स कॉमा बाई के रूप में, क्योंकि एक्स अक्ष का ये 2 बिंदु है और ये 3 है जो बाई अक्ष का है। तो हम लोग डिफिनेशन में बोल सकते हैं कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से तथा बाई अक्ष से दूरी को कॉमा के द्वारा निरूपण को ही क्या बोलते हैं, उस बिंदु को निर्देशांक बोलते हैं। ये हुआ निर्देशांक ज्यामिति का डिफिनेशन। अब हम लोग बार बार एक्स कॉमा बाई बोल रहे हैं यानी एक्स बाई का जिक्र कर रहे हैं, तो ये एक्स बाई होता क्या है,
एक्स को भुज बोला जाता है, यानी जो फर्स्ट होता है यानी सबसे पहले एक्स को डिनोट करते हैं, तो एक्स को भुज बोला जाता है और बाई को कोटि बोला जाता है। ये भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है? तो भुज होता है, जैसे आप अगर एक्स की दूरी को मापेंगे तो आप बाई से मापेंगे, इसी एक्स की दूरी को मापेंगे तो बाई से मापेंगे, और बाई की दूरी को मापेंगे तो एक्स से मापेंगे। तो इसीलिए भुज का डिफिनेशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी बिंदु की बाई एच से दूरी को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और कोटि के डिफिनेशन में क्या बोलेंगे कि किसी बिंदु की एक्स एच से दूरी को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये तो जीरो यानी ये ओ हम लोग को क्या डिनोट कर रहा है, तो जब एक्स अक्ष और बाई अक्ष जिस बिंदु पे कट होती है उसे क्या बोला जाता है, इसे मूल बिंदु बोला जाता है। इसे क्या बोला था, मूल बिंदु बोला था। और ये नोट कीजिएगा कि ये नोट कीजिएगा क्योंकि ये बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ये मूल बिंदु का ओ से डिनोट किया था, किससे डिनोट किया था, ओ से डिनोट किया था। और इसका निर्देशांक क्या होता है, तो इसका निर्देशांक 0.0 होता है। ये निश्चित है कि ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो एक फिर से एक बार सुन लीजिए कि मूल बिंदु को किससे डिनोट करते हैं, तो ओ से डिनोट करते हैं। और इसका निर्देशांक क्या होता है, तो इसका निर्देशांक 0.0 होता है। अब हम लोग जानेंगे कि मूल बिंदु होता क्या है। मूल बिंदु तो मैं आप लोगों को बता दी, अब जानेंगे कि निर्देशांक की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी निर्देशांक का खोज कहाँ से हुआ। ऐसे आप लोगों को पता हुआ कि निर्देशांक के पिता किसे बोला जाता है, सभी को पता हुआ कि निर्देशांक का पिता रेने डिस्क्रीट को बोला जाता है, जिसे रेने दकार्ते के नाम से जाना था। तो क्या सबसे पहले इन्हीं का योगदान रहा निर्देशांक ज्यामिति में, तो नहीं। इससे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए यानी मैथमेटिशियन आए, लेकिन वो लोग पूरी तरीके से निर्देशांक ज्यामिति का डिस्कवर नहीं कर पाए। सबसे पहले आए थे एक मैथमेटिशियन थे मेनाइचमस। मेनाइचमस का कथन था कि निर्देशांक जो होता है वो किसी एक बिंदु को निरूपण करता है, जबकि इनका कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि निर्देशांक जो होता है वो दो बिंदुओं को निरूपण करता है। जब तक एक्स और बाई दोनों नहीं रहेगा क्या हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को निरूपण कर पाएंगे, नहीं। तो ये मेनाइचमस का कथन गलत हो गया था, किनका, मेनाइचमस। फिर एक और मैथमेटिशियन आए उमर खयाम। कौन आए, उमर खयाम। इनका बोलना था कि निर्देशांक किसी एक बिंदु और एक दिशा को निरूपण करता है क्या, लेकिन इनका भी कथन गलत है क्योंकि ये भी तो यही जिक्र कर रहे हैं कि निर्देशांक किसी एक बिंदु को निरूपण करता है और एक डायरेक्शन को, लेकिन हम लोग वर्तमान में क्या पढ़ रहे हैं कि दो बिंदुओं का निरूपण करता है। फिर सबसे लास्ट में आए रेने दकार्ते। ये बोले, ये क्या किए कि एक तल से एक तल को बिल्कुल केंद्र मानकर दो लंबिका रेखाएँ खींचे, और ये कैसा रेखा, यही रेखाएं खींचे जिसे कोऑर्डिनेट बोला जाता है यानी चतुर्थांश बोला जाता है। वो केंद्र मान एक तल को केंद्र मानकर वो दो लंबिका रेखाओं का निर्माण किए, और वो बोले कि निर्देशांक किसी दो बिंदुओं और चारों दिशाओं को निरूपण करता है। और वर्तमान में भी हम लोग इन्हीं को मान रहे, इन्हीं के कथन को मान रहे, इसीलिए रेने दकार्ते को निर्देशांक ज्यामिति का पिता कहा जाता है। तो ये हो गया निर्देशांक ज्यामिति का उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। अब एक टॉपिक आता है संरेख। निर्देशांक ज्यामिति में ही पढ़ना है कि संरेख क्या होता है यानी कॉलिनियर क्या होता है। तो संरेख का मतलब ही हुआ कि एक लाइन पे तीन बिंदु, जैसे ये ए है, बी है, ये सी है, तो ये तीनों को हम लोग क्या, तीनों को क्या बोल सकते हैं, संरेख बोल सकते हैं। लेकिन संरेख का भी कुछ तथ्य होता है यानी वो किस स्थिति में संरेख हो सकता बिंदु, तो जब ए बी का जो मान होगा वो ए सी और बी सी का ऐड होगा तो ये बिंदु संरेख हो सकता है। यानी सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी तो ये बिंदु संरेख हो सकती है। यानी तीन जो बिंदु होता है उसे जोड़ने या घटाने पे बराबर का मान प्राप्त हो तभी ये बिंदु संरेख हो सकता है। और अगर ए सी का मान निकालना है तो ए सी का मान निकालने के लिए ए बी माइनस बी सी होनी चाहिए, अगर बी सी का मान निकालना है तो बी सी का मान निकालने के लिए ए बी माइनस ए सी होनी चाहिए। तो इस स्थिति में बिंदु क्या हो सकता है, संरेख हो सकता है।
आज हम लोग क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखें, कल हम लोग देखेंगे कि चूंकि निर्देशांक जो होता है, निर्देशांक ज्यामिति जो होता है, वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को पढ़ना होता है, तो कल हम लोग देखेंगे दूरी सूत्र के बारे में। यानी इसके अंतर्गत बहुत सारा फॉर्मूला को प्रूव्ड किया जाता है, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर रिसेक्शन फॉर्मूला, ये सब त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह को प्रूव्ड किया जाता है, तो कल मैं आप लोगों को प्रूव्ड करके बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले इसे आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो उस फॉर्मूले को आप इजीली समझ जाइएगा और उसी से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कवर होगा और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो कल का वीडियो आप लोग देखना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अदर के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स।